इस मॉड्यूल में हम फाइल एक्काइनोडर्मेटा की क्लास एस्टेराइडिया के जर्नल फीचर्स को डिस्कस करेंगे एस्टेराइडिया के अंदर सी स्टार्स हैं सी स्टार्स जो हैं इसके अंदर नॉर्मली 1500 हंड्रेड स्पीशीज़ जो हैं वो मौजूद हैं ये कहाँ पे रहेंगे दे लिव ऑन हार्ड सबस्ट्रेट इन मेरीन इन्वायरमेंट ऑल दो सम ऑफ इट्स स्पीशीज जो हैं दे माइट बी लिविंग इन सैंडी आर मडी सब स्टेट्स इन दोशन सी स्टार जो हैं ब्राइटली कलर्ड हैं इसका कलर रेड भी हो सकता है ऑरेंज भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है ग्रे भी हो सकता है अब इसको एस्टराइज इनके लिए जो कॉमनली वर्ड यूज होता है वो है एस्टेराइड एस्टेराइड जो है दैट इज़ एन औरज सी स्टार ये ऑरेंज टी स्टार जो है दिस इज़ आ कॉमन सी स्टार अलॉन्ग दी अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और इसको इंट्रोडक्टरी जोलॉजिकल लेबोर्ट्रीज में स्टडीज़ के लिए फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता सी स्टार्स के भी फाइव आर्म्स होंगे दैट रेडिएट फ्रॉम अ सेंट्रल डिस्क अब इसकी ओरल ओपनिंग या माउथ जो है दैट इज इन द मिडल ऑफ वन साइड ऑफ सेंट्रल डिस्क इट इज नॉर्मली ओरिएंटेड डाउनवर्ड और इसमें ओरल स्पाइंस जो हैं वो मूवेबल हैं दे आर सराउंडिंग द एंटायर बॉडी अब जो बात हमने की स्पाइंस की तो स्पाइंस इसके अंदर मूवेबल भी हैं और फिक्सड भी हैं दे प्रोजेक्ट आउट फ्राम द स्केलेटन एंड रफ द एबोरल सर्फेस दिस इज द्लास एस्टेराइडिया सी स्टार्स दैट वी टोल्ड दे आर प्रेजेंट इन दबस्ट्रेटम सरफेस इन द सी दे आर डिफरेंट कलर्स they you can see here they are of different colors and these are the ossicles that are spines that are projecting out from the mesoderm of the body these because it's sea uh, stars you can see it's five arms in every species there are five arms there are different colors there are spines but its basic systems and structures they are all similar so, they are very beautiful colored species that are used in different laboratories of the world for zoological studies and research.